अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ग्रेड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था वो हमने इमेज एनहेंसमेंट में डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया था कि इमेज की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमने एट द एंड इमेज हिस्टोग्राम, इमेज इक्वलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखा था कि अगर तमाम जितने भी लेवल्स हैं इमेजेस के सब वो इक्वली कहीं फॉल करते हैं तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो काफी इम्प्रूव हो जाती है। इमेज एनहेंसमेंट में एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन भी कहते हैं। अगर आप इस फार्मूला को देख सकते हैं तो इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज गिवन है, एक एस है, टी है और आर की वैल्यूज है। जो हमारे पास आर है वो बेसिकली इनपुट इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो पिक्सल्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जो इनपुट इमेज की वैल्यू है। जो एस हमारे पास है वो आउटपुट इमेज के पिक्सल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और टी एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो कि हम ईच वैल्यू जो मैप कर रहे होते हैं आर टू एस, जो इनपुट से आउटपुट के ऊपर वैल्यू को हम मैप करते हैं उसमें ये टी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट लेवल्स हैं। थ्री बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, एक लिनियर है, एक लॉगरिथमिक है और एक पावर लॉ है। अगर आप इस इमेज को देखें इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट काइंड्स के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइडेंटिटी में देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ये नेगेटिव की लाइन को देख सकते हैं तो नेगेटिव की लाइन के अंदर आपको एक रिवर्स लाइन, स्ट्रेट है लेकिन रिवर्स लाइन आपको नजर आ रही है। तो एक डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं, ये कैसे बनते हैं इन्हीं को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इसमें जो है एक सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन है और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, ये दोनों लीनियर के अंदर फॉल करते हैं। आइडेंटिटी ट्रांसमिशन में अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो कि इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने बन रही है, जैसे कि हमने प्रीवियस भी एक जो डायग्राम देखे थे उसमें भी हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे सामने बन रही थी, वो एक आइडेंटिटी लाइन है। इसका मतलब यह है कि जैसे आपकी इनपुट इमेज है वैसे ही आपकी आउटपुट इमेज बन जाएगी, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। जब आप इनपुट वैल्यू को डायरेक्टली मैप करते हैं आउटपुट इमेज के ऊपर तो आपके सामने एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन एक बनती है। वो जो इमेज आपके सामने नजर आपको आती है वो वैसी ही इमेज होती है जैसे आपकी आउटपुट की इमेज होती है, मतलब कि इनपुट और आउटपुट इमेज दोनों सेम होती हैं, इसलिए आप इसे आइडेंटिटी ट्रांजिशन भी कहते हैं। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास बेसिकली एक जो आप फार्मूला आप देख रहे हैं एस इज इक्वल टू एल माइनस वन माइनस आर, इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करते हैं मैपिंग करने के लिए। हम एल माइनस वन में से आर की वैल्यू को माइनस करते जाते हैं और हमारे सामने जो है वो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बिल्ड अप हो जाता है। अगर आप इसमें ये वैल्यूज को आप लोग देखें, ये जो आपके सामने एक इमेज गिवन है, ये आपके पास बेसिकली जो फर्स्ट वन है ये आपके पास इनपुट इमेज है, जो सेकंड वन है ये आपके पास आउटपुट इमेज है। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हुआ किस तरह से है कि कहीं जहां आपके पास वो डार्क ज्यादा सिंबल थे, आपके जो इनपुट इमेज में जहां जहां डार्क था उसको उसने लाइट में कन्वर्ट कर दिया, और जो आपके पास इस इमेज में लाइट में था उसको उसने डार्क में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इमेज में अगर आप देखें कि जैसे इसके आप हेयर्स को देखें, यहाँ जो हेयर इसके व्हाइट हैं तो अगर आप यहाँ देखें तो इसके हेयर्स को उसने ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। तो जो जो पार्ट आपके यहाँ व्हाइट के अंदर थे इनपुट इमेज के अंदर, उन्हीं पार्ट्स को उसने आपके आउटपुट इमेज में लाइट में कन्वर्ट कर दिया।
अगर आप लोग इनपुट इमेज में ये वाला पार्ट देखें यहाँ, ये आपके पास डार्क पार्ट है, लेकिन अगर आप आउटपुट में जाकर देखें तो उसने उसको उतना लाइट पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरह से बेसिकली काम कर रहा होता है। अगर आप बैकग्राउंड इमेज में भी देखें तो बैकग्राउंड के अंदर भी अगर ये वाला पार्ट आप देखें तो बहुत डार्क है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसने उसको उतना लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली जो आपके जितना डार्कर पार्ट है उसको उतना लाइटर पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में जो सिंबल आपका और जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है उसमें देखें, S इज इक्वल टू L माइनस वन माइनस R। जो प्रीवियस इमेज आपको गिवन थी, मैंने जो आपको इमेज दिखाई वो आइंस्टाइन की इमेज है और 8BPP की जो इमेज है वो हम मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जितने भी ग्रे स्केल वैल्यूज हैं, जो ग्रे लेवल इमेजेस हमारे पास हैं वो 8BPP की इमेजेस होती हैं, और हर ग्रे लेवल के अंदर जो आपके पास इमेज के लेवल्स हैं वो 256 लेवल्स होते हैं। अगर हम इस 256 हमारे पास लेवल्स होते हैं, अगर हम 256 की जो वैल्यू है उसको हम इस फार्मूला में इसको यूज करें, जैसे जो हमारे पास एल की वैल्यू है, एल माइनस वन में हमारे पास 256 माइनस वन करें 255, आर की जो वैल्यू है ये बेसिकली एक गिवन वैल्यू होगी जो आपके पास इनपुट इमेज की वैल्यूज है, उसमें से आप लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो एस आपके पास एक आउटपुट इमेज आपके पास बनती जाएगी। जो हमने देखा है कि अगर आपके पास डार्क वाला पार्ट है तो उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है, लाइट वाला पार्ट है उसको वो डार्क में कन्वर्ट कर देता है। वो बेसिकली इसी तरह से है कि आप 255 में से आर की वैल्यू उसको माइनस करते चले जाते हैं, तो जितनी जो है आर की वैल्यू माइनस जिस पोर्शन से वो माइनस होगी उस पोर्शन से आपको रिजल्टेंट जो इमेज है वो आपको डिस्प्ले होती जाएगी। ये आपके सामने ग्राफ है जो गिवन है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये इनवर्स मिक लाइन आपको रिप्रेजेंट हो रही है, जैसे हमने आइडेंटिटी में देखा था बिल्कुल एक स्ट्रेट और लाइन थी, लेकिन ये कि रिवर्स में आपके पास एक लाइन आई है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो रिवर्स ऑर्डर में आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपका डार्कर पार्ट है तो ये लाइट में कन्वर्ट कर देगा, लाइटर पार्ट है तो उसको ये डार्कर में कन्वर्ट कर देगा। लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके भी दो टाइप्स हैं इसकी, एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है एंड सेकंड वन इज इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है, इसको भी हम एक फार्मूला से डिफाइन करते हैं। जो फार्मूला आपके पास गिवन है जो स्लाइड्स में आप लोग देख रहे हैं, फार्मूला है एस इज इक्वल टू सी लॉग आर प्लस वन। इसमें हमारे पास जो एस है और जो आर की वैल्यूज हैं ये पिक्सल वैल्यू है आपकी आउटपुट और इनपुट की। एस बेसिकली पिक्सल वैल्यू आउटपुट की है, जो आर है वो बेसिकली आपके पिक्सल वैल्यू आपकी इनपुट इमेज की है। सी एक कांस्टेंट है, सी की वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं, डिपेंड करता है हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम इमेज इन्हेंसमेंट में किस तरह की हम इमेज चाहते हैं, किस कितने लेवल की इमेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सी की वैल्यू को चेंज करते चले जाते हैं। तो सी बेसिकली हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमने जो आर की वैल्यू के अंदर हमेशा हम एडिशन वन इसलिए करते हैं, सम टाइम हो सकता है कि जो आपके पास जो आर की जो वैल्यू है वो जीरो इंटेंसिटी की इमेज अगर आपके पास आ जाती है तो अगर आप लॉग जीरो का लेंगे तो वो वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी में चली जाएगी, इसलिए हमने प्लस वन इसलिए किया हुआ है कि एटलीस्ट आपके पास जो है एक वन वैल्यू एग्जिस्ट करती हो ताकि आपके पास जो है लॉग का जो आंसर है वो किसी एक फाइनाइट नंबर में आपके पास अवेलेबल हो। और लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अब इसमें होता क्या है, आपकी इमेज किस तरह से डिस्प्ले में नजर आएगी, इमेज किस कैसी आपको नजर आएगी। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो आपको डार्क पिक्सल्स हैं वो एक्सपेंडेड हो जाते हैं एज कंपेयर टू हायर पिक्सल वैल्यूज। आप नेक्स्ट स्लाइड में इनकी इमेजेस को एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कहा कि जो सी की वैल्यू है सी कॉन्स्टेंट है
ये लॉग ट्रांसफॉर्म के अंदर हम इसको एडजस्ट करते होते हैं इनहेंसमेंट की काइंड के ऊपर, जिस तरह की इनहेंसमेंट हम देख रहे होते हैं वैसे इसको हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये आपके पास इनपुट इमेज है, इसमें ये आपके पास जो है वो आउटपुट इमेज है, सेकंड वन आपके पास जो आउटपुट इमेज है। इस इनपुट इमेज में अगर आप लोग देखें जो पार्ट सबसे ज्यादा आपको डार्क नजर आ रहा है ये वाला, ये बिल्कुल अगर बैकग्राउंड में देखें जहां मैंने ये एरो मेरा मूव कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका बिल्कुल डार्कर पार्ट है। तो जो पार्ट आपका इमेज में बहुत ज्यादा डार्कर होता है वो एज इट इज डिस्प्ले में देखें आपका वो डार्कर पार्ट यहाँ नजर आ रहा है। जितना कुछ ज्यादा डार्क पार्ट है उतना वो डार्क पार्ट ही आपको आउटपुट में आपको नजर आ रहा होता है। अगर इसमें आप लोग देखें तो ये आपका बहुत ज्यादा डार्क पार्ट है, तो आउटपुट के अंदर भी आपको वो डार्क में ही नजर आ रहा है। अगर आप हैंड्स के बिल्कुल ऊपर ये देखें, ये जो पार्ट है ये काफी डार्क है, तो यहाँ भी आप लोगों को ये पार्ट जो है वो डार्क नजर आ रहा है। तो जो पार्ट आपके यहाँ लाइट में थे वो उस तरह से उतने ही ज्यादा वो लाइटर फॉर्म में आपको डिस्प्ले में हो रहे हैं। तो जिस तरह से आपका जो डार्कर पार्ट होता है, जो अगर बहुत ज्यादा डार्क में होगा तो उतना उसको डार्क में शो कर देगा। अगर आपको कोई लाइट के जो है लेवल ज्यादा हैं, व्हाइट के लेवल ज्यादा हैं, तो उसको वो मोस्ट लाइट पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो इनवर्स लॉग है वो बिल्कुल आपके अपोजिट काम कर रहा होता है आपके लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। एक और काइंड हम ने कहा था वो है पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इसमें भी एक फार्मूला है, इस फार्मूला में एस इज इक्वल टू सी आर एक्सपोनेंट गैमा। ये जो आपके पास सिंबल वाई है इसको आप लोग गैमा कहते हैं, इसलिए आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को गैमा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब जो हम इसमें गैमा की वैल्यूज को चेंज करते हैं बेसिकली वो आपकी इमेज इनहेंसमेंट पर डिपेंड कर रही होती है, कितनी किस लेवल तक आपको इमेज की इनहेंसमेंट चाहिए, उस तरह से आप क्या करते हैं कि गैमा की वैल्यू को आप लोग चेंज करते चले जाते हैं। आप पर डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर्स हैं, उनकी एक अपना जो है वो एक गैमा का अपना एक लेवल होता है। जो आप लोग मॉनिटर्स देखते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस देखते हैं, जो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, टेबलेट्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उसमें जो भी उनका एक डिस्प्ले का लेवल है वो बेसिकली उनका एक गैमा की वैल्यू को हमने सेट किया होता है। तो ये जो इसमें गैमा की वैल्यू है ये बेसिकली आपके यही मेन एक फंक्शन है जो कि आपकी इमेज इन्हेंसमेंट में इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करके जो रिजल्टेंट इमेज आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। जो आपके सीआरटी के जो गैमा की वैल्यूज हैं वो 1.8 से 2.5 के दरम्यान में फॉल कर रही होती हैं। अगर आप इस इमेज को देखें, अब इसमें गैमा की वैल्यू है क्या, हम इस इमेज के अंदर गैमा की वैल्यू को 1/2.5 ये एक इमेज की वैल्यू को हमने गैमा की वैल्यू को लिया हुआ है, बाकी फार्मूला आपके वैसे ही है। इसमें अगर आप लोग देखें कि अगर हमने गैमा की ये जो आपको जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले में है इसमें हमने गैमा की वैल्यू को 10 लिया हुआ है, तो आपको इस तरह से इमेज नजर आ रही है। इसको हम माइंड में रखें इस इमेज को कैसी नजर आ रही, ताकि हम जब नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं उसमें हमने गैमा की वैल्यूज को थोड़ा कम करना, ताकि वो कंपैरिजन आपके लिए करना इजी हो जाए। अगर आप इसकी पीपीटी स्लाइड में जाएंगे तो वहां मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आप इजीली मूव बैक करके भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से वैल्यूज को गैमा की वैल्यूज को चेंज करने से इमेजेस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। इसमें देखते हैं कि आपके पास गैमा की वैल्यू 8 है, इसमें दो हमारे पास वो अकट्ठी इमेजेस हैं, तो आपके लिए कंपैरिजन करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। हमारे पास यहाँ गैमा की वैल्यू 8 है, इसमें इस इमेज की क्वालिटी को देखें इमेज एनहांसमेंट में, और गैमा की वैल्यू 6 है हमारे पास, तो यहाँ आप इसमें तक देखें। तो दोनों के अंदर जब आप देखें गैमा की वैल्यूज का हम चेंज कर रहे हैं, तो कहीं आपको वो लाइटर पार्ट वो ज्यादा और इमेज थोड़ी सी ज्यादा एक अच्छी फॉर्म में आपको नजर आ रही है। तो बेसिकली हम जो हमने जितना भी ये डिस्कस किया है
ये हमने ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिक उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक उसके फंक्शंस हैं, जिनका आप लोगों को आइडिया होना बहुत जरूरी है। आपका इसमें टास्क ये है कि हमने डिस्कस ये किया है कि तीन बेसिक लेवल्स हैं। अब आपने देखना है क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा भी कोई लेवल एग्जिस्ट करता है। अगर कोई ऐसा लेवल एग्जिस्ट करता है, उसका क्या नेम है और उसमें हम उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसमें कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं, ये आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं। अब जो इसके नेक्स्ट जो कमिंग जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट फर्स्ट है। जो इसके कमिंग पार्ट्स हैं वो आपको जो नेक्स्ट वीडियोस में वो अवेलेबल होंगे। थैंक यू।